You can also start doing. बेटा इस फिगर को ड्रॉ करने का मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इज इट? एवरीबॉडी कैन सी द बोर्ड? बेटे माइक ऑन करो, रेज हैंड, ऑल ऑफ यू हु कैन हियर मी रेज योर हैंड। यस, बी सेक्शन, सी सेक्शन, कैन यू हियर मी? यस, हाथ खड़े करो, वेरी गुड। सॉरी, एफ सेक्शन, यस, ई सेक्शन, ई सेक्शन, कैन यू हियर मी? जी सेक्शन, जी, ओके ओके, ऑल कैन सी द बोर्ड? फिगर दिख रही है सबको? प्लीज ड्रॉ इट, देन आई विल राइट द क्वेश्चन। ओके बेटे केयरफुली ना, आपको पहले एक हेक्सागन बनाना, अभी एक्सटेंड नहीं करनी लाइंस, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर से अभी तो फिगर नोट डाउन करोगे ना, आपको ट्रिक आना चाहिए कैसे इसको ड्रॉ करना है। पहले सिंपल एक हेक्सागन बना लो जिसकी सारी बाउंड्री जो है वो दिखेगी। उसके बाद वन बाय वन एक एक साइड को हमने एक्सटेंड करना है, बट एक ही डायरेक्शन में, राइट? केयरफुली देखो, इसको अगर मैं नेम देती हूँ ए बी सी डी ई एफ, और मैंने इसका नाम लिख लिया, पूरी फिगर का मैंने नेम लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। पहले एक फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद वन बाय वन, पहले हमने ए बी को राइट साइड पे ड्रॉ किया, फिर एक्सटेंड किया, फिर बी सी को एक्सटेंड किया, देन हमने सी डी को एक्सटेंड किया, देन डी ई को एंड एफ ए को, एक एक डायरेक्शन में सबको एक्सटेंड करना है। आई नो बच्चों की तो ड्राइंग भी बहुत अच्छी होती है, स्लोली स्लोली उसको पेशेंटली करो, इट विल कम आउट टू बी ब्यूटीफुल फिगर। एंड जो जो मार्किंग मैंने बोर्ड में क्या की हुई है, जो जो मार्किंग मैंने फिगर में की हुई है, यू विल ऑल्सो डू, ठीक है? यू कैन सी एवरीवन, आई हैव मार्क दीज ऑल लाइन, छोटी छोटी लाइन मैंने सारी साइड्स पे मार्क की है। You will also do it. Everybody can see the board. Okay. Good. ओके नाउ एट ए क्लास अंजलि, जो बच्चे कंबाइन हो रहे हैं उनको सेटल डाउन करवाओ बेटा, सी सेक्शन। ओके एट ए सेक्शन अंजलि, आर यू देयर? ओके यस मैम। ठीक है, व्हाट डू यू सी इन दिस फिगर बेटा? अभी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ फिगर ड्रॉ की है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर? क्या दिख रहा है कि कैसी फिगर है और क्या क्या गिवन है? गिवन है और क्या है बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन। हाउ डिड यू ऑब्जर्व, कैसे पता चला कि ये रेगुलर है? मैंने तो नहीं लिखा यहाँ पे, ऑल ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स तो मैंने नहीं बताया, बट यहाँ पे मार्किंग से आपको पता चल रहा है ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये मार्किंग आपको पेपर में दी होगी, ठीक है? बुक में भी सिर्फ मार्किंग दी होती है, फ्रॉम मार्किंग यू कम टू नो कि दिस इज रेगुलर, एंड इफ इट इज रेगुलर ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। ये आपकी नॉलेज ने बोला है, योर नॉलेज इज स्पीकिंग,
दैट दिस इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। और पॉलीगॉन का नाम भी पता चल रहा होगा आपको साइड से, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलीगॉन? यस आई कैन सी हैंड, जी सेक्शन फर्स्ट बॉय, हु इज रेजिंग हिज हैंड? हेक्सागन। हेक्सागॉन, राइट डाउन, वेरी गुड। अपनी नॉलेज को लिखो सामने। यस दिस इज हेक्सागॉन। ओके नाउ क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, दैट इज व्हाट इज द सम ऑफ, राइट डाउन व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इस फिगर को हमने रीड करना है। एक्सटीरियर एंगल्स हमने मार्क किए हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, मार्किंग करो इनकी, सारे एक्सटीरियर एंगल को नेम करो। क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, और ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, एक्सक्यूज मी मैम, यस बेटा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके जस्ट अ मिनट बेटा। ओके जस्ट अ मिनट बेटा, टिल दैट टाइम अगर आपने फिगर नोट डाउन कर लिया, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, आउटर फिगर, आउटर जो एंगल्स हैं सबका एडिशन फाइंड आउट करो। आई विल बी कॉलिंग द नेम, बी सेक्शन, आकाश, बी सेक्शन, अभी ठीक है बेटा? व्हाट इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, ऑल द एंगल्स बेटा? सबके हाथ खड़े होने चाहिए, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल एंड नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन, आउटर एंगल्स का सम पूछ रही हूं मैं। आई वॉन्ट टू सी एवरीबडीज हैंड, यस बी कॉन्फिडेंट, आई होप यू कैन सी द बोर्ड नाउ। बोर्ड ठीक है अभी बेटा, दिख रहे हैं आपको? नो जिसने नो बोले आप कौन से सेक्शन में हो बेटा? ऐसी एंड बाकी में भी प्रॉब्लम आ रही है? ओके मैम। यस ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, कैन यू प्लीज यूज द डिजिटल बोर्ड, बिकॉज इन डिजिटल बोर्ड द स्क्रीन इज विजिबल। आई नो बच्चे, आई नो वेरी वेल, डिजिटल बोर्ड इज ऑक्यूपाइड एक्चुअली, डोंट वरी, मैं थोड़ी सेटिंग कर रही हूँ इसको, प्लीज सिट डाउन, अदर क्लासेस आर ऑल्सो गोइंग ऑन। सम ऑफ ऑल द एंगल्स, जी सेक्शन से, द बॉय हु वाज रेजिंग हिज हैंड, यस जल्दी से बता दो। मैम थ्री बहुत चीजें होने वाला है।
360 डिग्री है ना। यहाँ दिस पे वाज अ रूल, कोई आपने कैलकुलेशन नहीं की इसमें, है ना। सिंपल, व्हेन एवर एनी फिगर इज देयर, एनी बताओ। नंबर ऑफ एंगल्स आर देयर, एनी नंबर ऑफ साइड्स आर देयर, देयर सम विल बी ऑलवेज 360। यू रेड इट ऑलरेडी, ठीक है। तो इट विल बी 360 डिग्री। बेटे जस्ट अ मिनट, बेटा वेट फॉर 5 मिनट्स, ओके, टिल द टाइम यू रिवाइज योर ऑल थिंग्स, ऑल क्वेश्चंस, ओके।
नाउ इट इज फाइन आई थिंक, है ना, इट्स वेरी क्लियर। प्लीज टेल मैम मी यस मैम ऑल द सेक्शंस आर यस वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नोट इट डाउन फास्ट, जिन्होंने अभी कुछ नहीं लिखा था प्लीज कॉपी डाउन करो एंड लिखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। दिस इज फॉर्मूला ओनली, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ बाय फॉर्मूला। ओके, सिर्फ आपको याद रखना है ये कि ऐसा होता है। बी पार्ट सेम फिगर एंड राइटिंग बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट डाउन फाइंड द इंटीरियर एंगल, फाइंड द इंटीरियर एंगल। ये आपका बी पार्ट है विद द सेम फिगर, वी आर यूजिंग द सेम इंफॉर्मेशन। प्लीज रिमेंबर, बिना फिगर के आपके ये क्वेश्चन नहीं होगा। जिन्होंने ड्रॉ नहीं किया प्लीज ड्रॉ इट, क्योंकि बाद में आपने रिवाइज भी करना है। वॉट इज द इंटीरियर एंगल, डू इट, एवरीबडी विल डू, आई विल आस्क यू। किसी ने आंसर नहीं बताना, आई एम गिविंग यू हिंट, दिस इज रेगुलर फिगर, यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, एवरीबडी अप्लाई योर थिंग्स। आपके पास फॉर्मूलाज भी हैं, पीछे नोटबुक में देख सकते हो, यूज इट वट एवर यू वॉन्ट टू फ्रॉम द लिस्ट। नोटबुक पीछे टर्न करके देखो, सब कुछ लिखा हुआ है आपने। एक इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं रेगुलर फिगर में? ई सेक्शन आई कैन सी एंड द हैंड एट द बैक, वेरी गुड। अच्छा आगे दैट बॉय कैन कम फॉरवर्ड, टेल मी द रूल ना, आंसर नहीं बताना आपने। टेल मी हाउ वुड यू थिंक आई कैन बी First, we बैक। will find the sum of interior angles n minus 2 multiply straight angle. यस सिट डाउन। ई जी सेक्शन आई कैन सी वन हैंड, आगे आ जाओ, वेरी गुड, नियर द वॉल। जिनको आता है दे कैन डू इट, फाइंड द आंसर। And to find interior angle, first we all n minus 2 into 180 divided by n. डिवाइडेड बाय एन, इंटीरियर एंगल डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, दैट इज फाइन। यू कैन से प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, डू इट, स्टार्ट डूइंग। आपको निकालना है लेट फाइंड द इंटीरियर एंगल। तो जिन बच्चों को मुश्किल लगती है थोड़ी सी, मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो एंगल आपको निकालना है उसको एक्सपोज कर लो। लेट इट बी एक्स, जिसको हमने फाइंड आउट करना है उसको एक्स लिख लो। और आपको पता है ये हेक्सागोन है, सिक्स है उसकी साइड, तो सिक्स एंगल भी होंगे। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, हाउ मेनी टाइम्स? सिक्स टाइम्स, सिक्स टाइम्स इज इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है साथ में, एन एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, नॉट एन एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यू नो दिस फॉर्मूला। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यू नो दिस फॉर्मूला, हमने लिखा हुआ है पहले से, यू नो इट, ठीक है। एन आपको पता है, इसकी वैल्यू निकाल लो, 6 माइनस 2, 4 इंटू 180 डिग्री, आपके पास सम आ जाएगा, इज इट, कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो इसे और एन भी निकालो इसे। आई एम कॉलिंग अदर नेम, वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन हियर, ऑलमोस्ट यू आर रीचिंग द आंसर। एट ई सेक्शन बुलीन कॉर्ड, ई सेक्शन वेरी गुड, व्हाट इज कमिंग? 720 डिग्री यस, एंड व्हाट इज नेक्स्ट? 720 डिग्री इज द सम। ओके, तो इट विल बी 6x इज इक्वल टू 720, इट मींस x विल बी इक्वल टू 720 अपॉन 6,
इसे 120 कहा? डिग्री वेरी गुड, यस 120 डिग्री। ईच एंगल इज कमिंग आउट टू बी 120 डिग्री। प्लीज फॉलो दीज ऑल स्टेप व्हेन यू परफॉर्म दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो आपको स्टेप कौन कौन से लिखने हैं, प्लीज रिमेंबर कि आपको सबसे पहले सम निकालना है एंड देन यू हैव टू फाइंड 1 एंगल। बेटे ये जो स्टेप है ना, कई बच्चे मैंने देखा है कि जब एग्जाम में करते हैं या क्लास में मैंने देखा है और भी स्कूल्स में देखा है कि व्हाट डू दे डू, अगर हमको पूछा गया कि इंटीरियर एंगल किसके इक्वल है तो वो कर देते हैं कि इसे इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय वो कर देते हैं नंबर ऑफ साइड्स। उनको ये नहीं पता चलता कि इंटीरियर पूछा है या एक्सटीरियर पूछा है। तो रट्टा नहीं लगाना, अंडरस्टैंड एंड देन डू। ये स्टेप जो है आपका अंडरस्टैंडिंग का है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सम तो हम कर रहे हैं, यू नो द फॉर्मूला कि हम सम कर रहे हैं एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, बट सम किन का कर रहे हैं, राइट दैट ऑल्सो। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला ये स्टेप लर्न कर लेते हैं कि हाँ 720 इधर एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया, तो वो नहीं याद करना कि मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। रीजन देखो कि वाई मल्टीप्लाई वाई डिवाइड वाई प्लस। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं और काफी बच्चे इनको रट्टा लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ऐसे कर देंगे, ये पूछेंगे तो डिवाइड कर देंगे, ये पूछेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। डोंट अप्लाई दोस थिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज प्लीज एट होम प्लीज ट्राई द सेम क्वेश्चन बाय ऑक्टेगॉन। एक ऑक्टेगॉन ड्रॉ करना, उसके लिए भी सेम चीज क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करना कि सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना, उनका सम फाइंड आउट करना और आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना। प्लीज ट्राई एट होम, ओके। एंड इस सेम क्वेश्चन में जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है उसमें अगर हम सी क्वेश्चन एक और पूछें कि व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने ऑलरेडी एक्स वन की फिगर बनाई हुई है उसमें एक सी पार्ट लिखो जरा, सी पार्ट फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। They can ask you find each exterior angle. They can ask you this also, each exterior angle. अब बेटे सोचेंगे कि हम इतने सारे 6 एंगल्स कैसे निकालें? आपको 6 नहीं निकालने हैं, ओनली 1 निकालना है, बिकॉज दिस इज रेगुलर, राइट? एफ सेक्शन अंगद, प्लीज कम फॉरवर्ड, टेल मी हाउ टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल। ए और बी पार्ट आप कर चुके हो इसका, उनको यूज करो और मेरे को वो बताओ हाउ विल यू फाइंड एक्सटीरियर एंगल। हाँ जी बेटा, बी पार्ट को यूज करो। बी पार्ट में आपने निकाला है बेटा कि ऑल द सॉरी ईच इंटीरियर एंगल किसके इक्वल डिग्री है, आप निकाल चुके ऑलरेडी। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन अंगद। ई सेक्शन पीछे आई कैन सी वन हैंड इन द मिडिल रो। To find the exterior angle of a hexagon, we will divide the 360 by the 6, because as we know that the sum of exterior angle of any polygon is 360 degree, and the sides of a hexagon is 6 degree. When we divide it, one exterior angle measure is 60 degree. ओके, गुड, वेरी गुड। एनी अदर वे, और क्या वे है निकालने का, एनी अदर चाइल्ड, एक और मेथड भी है इसका निकालने का। उसे बोला कि हम एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। यस, जी सेक्शन, जी सेक्शन
अभी कॉल द नेम, ये थोड़ी सी आपको ना बेटा थोड़ा सा एक्टिव हो, आपने सब कुछ लिखा हुआ है, दिशांत जी सेक्शन, दिशांत कम फॉरवर्ड, ऑफ इंटीरियर इंटीरियर एंगल अगर पता है तो एक्सटीरियर कैसे निकालोगे? 180 माइनस वेरी गुड वेरी गुड, यू नो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, पता है आपको, सबको पता है कि वो लाइन के ऊपर ही होते हैं। वेरी गुड बेटा, सिट डाउन, वेरी गुड। एक्सटीरियर आप, इंटीरियर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 120 है एक्सटीरियर, आपने अभी निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। देर आर टू वेज, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और पहले उसने मेरे को बताया था कि हम 360 से डिवाइड करके, क्यों करेंगे 360 से, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि चार सबका सम जो होता है 360 होता है। जिन बच्चों ने दूसरे वे से करना है, दे कैन डू लाइक दिस कि एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, हाउ मेनी टाइम, ये जो बाहर वाले आपके एंगल्स हैं, नॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबको आप प्लस करके इक्वल टू 360 कर दो, और आपके पास आ जाएगा 6x इक्वल टू 360 एंड x विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों का आंसर सेम आएगा, आपको जो इजी लगता है उससे करो, बट अंडरस्टैंड करके करो, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू। मैंने अभी यहाँ पे हेक्सागोन से निकाले ये तीन क्वेश्चन, आपको पेंटागोन से भी आ सकते हैं, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल से भी आ सकते हैं, थोड़ी बिगर फिगर भी आ सकती है, हेप्टागोन भी आ सकता है, ऑक्टागोन भी आ सकता है, और हो सकता है आपको डायग्राम ना दिया हो और वो बोल दे, सिंपली बोल दे कि आपका रेगुलर एक पॉलीगोन है 9 साइड्स का, जो नहीं कि फिगर दिए हो आपको, तो आपको सब वे से अपना यूज करना आना चाहिए कि हमने अपना नॉलेज अप्लाई करनी है, विजुअलाइज करना है फिगर को। ओके बेटा, क्वेश्चन करने के ना ट्रिक्स होते हैं थोड़े से, यू आर इन बिगर क्लास, अभी किए हुए क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, सारे टीचर्स करते हैं जब पेपर बनाते हैं। ओके, आई एम गिविंग यू द क्लू कि अगर आपको फिगर ना दियो हो, आपको ये बताया हो कि यहाँ पे रेगुलर है, रेगुलर ऑक्टागॉन है, उसके लिए भी ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ना मैंने, टीचर आपको फिगर दे रहे हैं, ना आपने ड्रॉ कर रही है, सिर्फ आपने अपनी नॉलेज अप्लाई करके आंसर निकालना है, और वो 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ज्यादा से ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन होगा, क्योंकि कोई फिगर तो ड्रॉ करनी नहीं, डायरेक्टली आपने फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। आई होप इट इज फाइन टू एवरीबडी, रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड वेल। मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका बोर्ड भी डिस्टर्ब हो रहा था, इट शुड बी क्लियर टू एवरीबडी। चिल्ड्रन रेज योर हैंड हु हैव अंडरस्टूड वेल कि एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालना है, इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है, आपकी बुक में भी हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस। ओके ओके गुड, हैंड्स डाउन, एंड यू प्लीज रिवाइज एट होम, जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है रिवाइज एट होम, ठीक है बेटा। आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन, राइट डाउन, फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 15 साइड। रेगुलर पॉलीगॉन की 15 साइड हैं, यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल।
क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन आई हैव मेड माई सेल्फ फॉर योर प्रैक्टिस. रेगुलर पॉलीगॉन हैज 15 साइड. फाइंड इट्स ईच इंटीरियर एंगल. कईयों के लिए तो बहुत ही सिंपल होगा, एंड आई वॉन्ट कि सबके लिए सिंपल होना चाहिए, इसलिए मैंने ये रिपीट किया क्वेश्चन. बी सेक्शन रमनप्रीत. हाउ विल यू फाइंड ईच इंटीरियर एंगल? आवाज नहीं आ रही आपकी बेटा? हाथ खड़ा करो. डू यू नो? ओके ओके. हाँ जी, बोलो बोलो. -180 डिग्री. नो नो, टू इज इक्वल टू 180 डिग्री तो कभी भी नहीं मैंने लिखवाया, ना हमने कभी बोला है यहाँ पे, और ना किसी बच्चे ने बताया. प्लीज अपनी नोटबुक खोल के देखो जरा क्या है वो. ई सेक्शन गुरप्रीत. थोड़ा फास्ट आओ बेटा. मैं हाँ जी, हाउ विल यू फाइंड इंटीरियर एंगल? फिगर नहीं ड्रॉ करने की जरूरत है, ना मैंने ड्रॉ की है ना आप ड्रॉ करोगे, बस आपको पता है कि एन इज इक्वल टू 15 है. रिपीट करो, आपके वॉल्यूम डाउन है बेटा, थोड़ा लाउडली बोलो. आवाज नहीं आ रही आपकी. एफ सेक्शन फर्स्ट बेंच गर्ल इन द मिडिल रो. यस n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर n. ओके गुड. सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपने. जी सेक्शन. यस बता दो. मैम, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180. 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180. 13 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल्स टू 2340. नाउ एक्स प्लस एक्स 15 टाइम्स इक्वल्स 2340. 15 एक्स इक्वल टू 2340. एक्स इक्वल टू 2340 डिवाइड बाय 15. एक्स इक्वल्स टू 156 डिग्री. आउटर एंगल आपके पास आ गया, हमने कॉन्फर्म इंटीरियर एंगल पूछा था. सॉरी, इंटीरियर एंगल. राइट, यू हैव फॉलोड ऑल द स्टेप्स जो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, एंड यू हैव टू अप्लाई आइदर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, और यू कैन डू बाय दिस मेथड, यू कैन फॉलो एनी. ओके चलो गुड. अब आपको पता चल गया कि डायग्राम इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, गिवन हो या नहीं गिवन हो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है चलो, राइट वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर थ्री. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम. टू एडजेसेंट एंगल्स, राइट ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो. एंगल
ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, इक्वल मेजर। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अपने माइंड में घुमाना शुरू कर दो। वी हैव रेड अ लॉट, बहुत क्वेश्चन किए हैं हमने पैरेललोग्राम के। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। टू एडजेसेंट एंगल्स आर गिवन जिनका मेजर सेम है। टू जो कंडीशन हमें दी हुई है उसको हमने अप्लाई करना है। एंड इस फिगर में यू आर टॉकिंग अबाउट, आई कैन सी वन हैंड, यस गुड, जिन बच्चों को आता है अच्छे से उन्होंने ऑलरेडी हाथ खड़े कर दिए हैं। यस गुड गुड वेरी गुड, कंटिन्यू करते रहो इसको, करते रहो इसको, जिनको आता है वेरी गुड। छोटे छोटे जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्लीज ड्रॉ द फिगर इन दिस। पिछले क्वेश्चन में मैंने इसलिए मना किया था बिकॉज 15 साइड्स, 8 साइड्स, 9 साइड्स, उनको ड्रॉ नहीं करना और ना उनकी जरूरत पड़ती है। आपको जस्ट विजुअलाइज करनी है, रफ में ड्रॉ करो लेकिन सामने उसको ड्रॉ करने में टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। इसके लिए आपको फिगर ड्रॉ करने में 1 सेकेंड लगेगा। पैरेललोग्राम दिया हुआ है और नेम दिया हुआ है, आपको ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ इसलिए करना है कि आपको क्विकली ऑब्जर्व करना है कि कौन से टू एंगल्स की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेसेंट एंगल्स, सो वी हैव टू राइट हियर टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी, यू कैन से ए इज इक्वल टू बी और B is equal to C, C is equal to D and D is equal to A. You know, adjacent angles को हम कोई भी pair जो आपस में adjacent angles वो आपस में equal हैं। ये नहीं कि मैंने सिर्फ A और B ले लिया तो और कोई हो ही नहीं सकता। You have to remember कि जो साइड में एंगल्स हैं, जो कंटिन्यूशन में है, जिनका एक कॉमन जो बीच में साइड है, वो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं और वो दिए हुए हैं हमें इक्वल, ठीक है। आई हैव रिटन ऑल द पेयर्स हियर, कि मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने सारे लिखे हैं कि आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन जो हमारा आंसर है वो तो किसी एक को यूज करके ही आ जाएगा। मैं सिर्फ ए और बी को यूज कर रही हूँ यहाँ पे। कई बच्चे सी और डी को यूज करेंगे, कई डी और ए को यूज करेंगे। यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम? आपको रूल क्या लिखवाया गया जब हमने फॉर्मूला लिखे थे, लिस्ट लिखी थी, उसमें आपको बाय नॉलेज क्या पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं? जिन जिनको पता है हाथ खड़ा करो। एडजेसेंट एंगल्स की क्या कंडीशन होती है पैरेललोग्राम में? देख लो, कोई बात नहीं, नोटबुक आपके साथ है, देख के बताओ। क्विकली देख लो, वेरी गुड। ज्यादा पुराना काम नहीं है, अभी अभी किया था हमने। चलो देख के हाथ खड़ा करो। चलो जिन 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 ने देख लिया अपनी नोटबुक में, रेज योर हैंड, जिनको पता चल गया है कि एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, क्या रिलेशन होता है उनका। मैंने आपको लिखवाया था ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, उनका सम 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट होते हैं आपस में। अब यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ओके। वो जो हमने रूल में लिखा था उसको अप्लाई करो क्वेश्चन में, ये नहीं सोचना कि हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं लिखा कि एडजेसेंट एंगल्स का क्या रिलेशन आपस में होता है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि वो है उनका। कि वो इक्वल है, मैंने सिर्फ ये बताया। किस किस को पता चल गया रेशियो? हाँ, जिन्होंने रूल्स में लिखा हुआ है कि यस उनका सम 180 डिग्री होता है, जल्दी से जिन्होंने ढूंढ लिया नोटबुक में। यस, जिन्होंने नहीं ढूंढा वो दे विल सर्च एट होम। ओके, नाउ बोथ आर इक्वल, वी कैन राइट डाउन एंगल ए प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल आपको पता चल गया 90 डिग्री। जी सेक्शन, सिमरन, यस, ए एंगल मैंने निकाल लिया कि वो 90 डिग्री है। टेल मी अदर एंगल, हमने सारे निकालने थे इसमें। मैम 90 डिग्री, सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? सारे 180, एंगल ए बी सी डी अलग अलग, ईच एंगल 90, 90। यू नो बी 90 पता चल गया आपको, यस, बी 90 ऑलरेडी पता ही है, ए इज इक्वल टू बी, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए सारे 90 होंगे। ओके गुड बेटा, सिट डाउन। आई नो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये काफी बच्चे हाथ इसलिए नहीं खड़ा कर रहे, उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि पता नहीं है मैं ठीक सोच रही हूँ या नहीं। शी वॉज नॉट रेजिंग हर हैंड, बट उसने बिल्कुल ठीक बताया। पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी, उनको यूज करो क्वेश्चंस में। ठीक है बेटा, ईच एंगल इज 90 डिग्री। आपने डायग्राम के अंदर तो 90 डिग्री मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, तो हमारा जो पैरेललोग्राम था वो एक रेक्टेंगल बन चुका है अभी, है ना। तो क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, व्हाट इज द शेप ऑफ द, आफ्टर फाइंडिंग द एंगल्स व्हाट इज द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, आप आंसर क्या लिखोगे उसका? रेक्टेंगल, क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री निकाल लिया आपने। दिस इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस पैरेललोग्राम इज गिवन टू यू। ओके, ए बी सी डी, आपका टाइम अप होने वाला है, मैं क्विकली क्वेश्चन डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। दीज आर गिवन टू यू, दिस इज 26 एंड दिस इज 3x। राइट डाउन एवरीथिंग इन द डायग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको डायग्राम गिवन होगा, एक्स एंड वाई आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, और साथ में आपको ये भी गिवन है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टीज है आपके माइंड में घूमनी चाहिए, एंड फिगर में आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि हम साइड्स की बात कर रहे हैं, तो साइड्स की प्रॉपर्टी आपको इमीडिएट माइंड में आनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की साइड कैसी होती है, क्या रिलेशन होता है उनका। सी सेक्शन, सी सेक्शन, माइक इनके पास है, फर्स्ट बेंच पे जो बैठे हैं बच्चे, यस जल्दी से बता दो, हाउ वुड यू स्टार्ट? कौन बता रहे सी सेक्शन से? चलो आई कॉल द नेम देन, मनजोत सिंह, बी यस, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट बेटा। यस, पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें बेटा? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एक्सेलेंट, अपोजिट साइड आर इक्वल, इसका मतलब कि 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26,
यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड सिगम बेटा। एंड थ्री एक्स इज इक्वल टू 18। आपने डायरेक्टली वैल्यू लगा दी, साइज की प्रॉपर्टी आपने लगाई है, तो वहां से आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगर आपको डायगनल की फॉर्म में आ जाए, कि ऐसे आपको डायगनल दिए हुए हैं पैरेललोग्राम में, उसके लिए डायगनल दिए हुए हैं ABCD, इसको ट्राई करना घर पे। आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। सपोज इसकी साइड आपको दी हुई है 16, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स मैम प्लस टाइम वाई। इज अप। यस बेटा आई नो, ये क्वेश्चन आपने खुद ही करना है। फाइंड एक्स एंड वाई, सिर्फ कॉपी डाउन कर लो, डायग्राम नोट कर लो, ट्राई एट होम। दिस इज 20, आई एम जस्ट क्लोजिंग इट बेटा। आई मीन टू से कि अगर डायगनल गिवन है तो डायगनल की प्रॉपर्टी लगाओ, साइड्स गिवन है तो साइड्स की प्रॉपर्टी लगाओ। चलो ओके, सी यू बेटा, बाय।